من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين खुदा के सिफात के बारे में गुफ्तु हो रही थी और अरज हुआ कि मतक्लम और इस्लाम ने खुदा के सिफात को दो क़स्मों में तकसम किया है और उनमें से एक सफात सबूतिया या जमालिया भी कहा जाता है और दूसरी कसम सिफ़ शलबिया या जलालिया से तबीर किया गया है और सफात सबूतिया के हवाले से गुफ्तु हो रही थी और इस सिलसिले में सिफाते कमालिया सफात कमालियाबूतिया और सिफ़ात जमालिया में से दो सिफात के बारे में मख्तसर गुफगु हुई और आरज़ हुआ कि सिफात सबूतिया में से पहली सिफ़त यह है कि खुदा कादिर है वो हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है और उसकी कुदरत लामहदूद है इन लाकुल्लिश इन कदम हर चीज़ पर कादिर है और उसकी कुदरत लामहदूद है दूसरी सिफत ये था कि खुदा आलिम है खुदा आलिम है यानी हर चीज़ का इलम रखता है कायन के जर्रा जर्रे का इलम रखता है चाहे वो करोड़ों साल पहले वजूद में आया हो या करोड़ों साल के बाद वजूद में आने वाले मौजूदात हो, या इस वक्त मौजूद है, फ़र्क नहीं करता खुदा कालम हर चीज पर मुहित है पूरे कायनत और पूरे मखलूकत मخलुका, पर मुहित है और खुदा की जत की तरह इलम खुदा भी अजगी और अबदी और लामात हर चीज पर आलुम रखता है यहाँ तक कि इंसान के दिलों के राज से भी वो वाकिफ है और वो हर शे का जानने वाला है और तीसरी सिफत सिफात सबूतिया में से यह है कि खुदा हई है, है खुदा हई है, है और ख़ुदा ज़िंदा है ख़ुदा हयात जावेदान का मालिक है तीसरी सिफत यह कि खुदा हई है हई यान ख़ुदा ज़िंदा है, है खुदा हयात जावेदान का मालिक हैं और वो साबित और कायम है उसकी हयात में कोई तजलज्ल भी नहीं है और वो अपनी ज़ात पर कायम है उसकी हयात किसी और के तफेल में नहीं है उसकी हयात अपनी ज़ात पर कायल है और ये सिफ़त हयात भी एन ज़ात है खुदा वंद मुताल के लिए और वो साबित है और कायम है और अपनी ज़ात पर कायम है किसी और की तरह मोहताज नहीं है अपनी हयात में और दूसरी मौजूदात उसकी वजह से कायम है और उसकी वजह से जिंदा है लिहाजा दूसरे मौजूदात और हयात की हयात और हयात खुदावंद मुताल में फर्क है क्योंकि खुदा की हयात अजली है अबी है ज़ाती है न बदलने वाली और हर तरह की महदूदियत से खाली है लेकिन दूसरी मौजूदात उसकी वजह से ज़िंदा है अगर ये इरादा करे ये ज़ात तो इसी वक्त फना हो जाए इसी वक्त सफ़े हस्ती से मिट जाए एक मिनट अगर इरादा करें एक सेकेंड में दो सेकेंड में लाखों लोगों को सफ़ा हस्ती से मिटा दें ज़मीन में दफन करें जैसा कि हम पूरी दुनिया में हमारे मुख्तर में हम कई बार देख चुके हैं दो सेकेंड का जलजला पांच छह लोगों की मौत का सबब बना हजारों घर मिसमार हो गए शहर के शहर बर्बाद हो गया ये लेकिन खुदावंद मुताल की हयात कायम और दायम है और साबित है और उसका किवाम भी अपनी जात पर है किसी और की तरफ मोहताज नहीं है और हर तरह की महदूदियत से खाली है लेकिन दूसरी तमाम मौजूदात उसकी वजह से जिंदा और कायम हैं चनाच क़रण मजिद में भी इसी सिफत की तरफ मतदीद आयात में इसी सिफत का ज़िक्र हुआ है और इसी सिफत की तरफ इशारा हुआ है उनमें से एक आया आयतुल कुर्सी की पहली आयत अल्लाहल क्यूम अल्लाह लाला जिसके अलावा कोई खुदा नहीं सिर्फ एक ही खुदा है वह अल्लाह अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई खुदा नहीं है अल्लाहु ला उसके अलावा कोई खुदा नहीं और उसकी सिफात यह है हुय क्यूम वो जिंदा भी है और उसी से कुल का कायम है वो हई और क्यूम है उसकी जात जिंदा भी है और उसी से कुल का को जिंदगी मिली है कुल का कायम है इलाहा अल्लाह जिसके अलावा कोई और खुदा नहीं है कोई खुदा नहीं है हैल्लाकूम ये वो अल्लाह है ये वो खुदा है जो जिंदा भी है और उसी से कुल कायनात कायम है न सिर्फ हई है हर हयात के लिए कभी वो नींद के हालत में कभी वो गफलत के हालत में कभी वो किसी और निशान के हालत में उसके लिए मुख्तल हालात तारी होता है लेकिन खुदावंद मुताल हयात के साथ इन तमाम चीज़ों से पाक व पाकिज मुनजह और मुबर्रा है आयत के जेल में फरमाते हैं न सिर्फ़ वो ज़िंदा है न सिर्फ़ उसकी वजह से कायनत कायम है बल्कि वो ऐसी जात है लाता खुशहू सिनतु वला तू उसे न नींद आती है न ऊंघ लहू माफ समावात वह मा फिलास लहू माफ समावात वह मा फिलास और आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का आसमानों और ज़मीन और ज़मीन में और आसमानों में जो कुछ भी है उन सब का मालिक वही है उन सब का मालिक अल्लाह है और ख़ुदा है और आल इमरान की सरा इमरान की पहली आयत में इरशाद हो रहा है अलिफ लाम मीम अलिफ लाम ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لا ميم الله جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں هو الحي القيوم اور اس کی صفت और हर शे उसके तुफेल में कायम और ज़िंदा हैल हयुल है। क्यूम वो हमेशा जिंदा है और हर शे उसके तफेल में कायम व दायम है लिहाजा वो आलिम भी है जिंदा भी है हमेशा बेदार भी है और कायनत की और कायनत में मौजूद मौजूदात की हिफाजत कर रहा चौबीस घंटे उसकी नज़र कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे पर उसकी नजर है एक लम्हे के लिए भी अगर अपनी नज़र उठाए मौजूदात से या कायनत से तो ये कायना सफेद हस्ती से मिट जाएगा ख़त्म हो जाएगा लिहाजा वो आलिम भी है जिंदा भी है हमेशा बेदार भी है और कायनत की हिफाजत कर रहा है और उसके अलावा कोई मुहाफ़िज नहीं हो सकता और इस तहफ़ में वो खस्तहाल भी नहीं होता थकावट उसके लिए माना नहीं रख रह, नहीं रखता नींद उसके लिए माना नहीं रखता खस्तगी उसके लिए माना नहीं रखता और वो सबको देख भी रहा है और सबकी सुन भी रहा है इंशाल्लाह बाद वाली सिफत में इस हवाले से गुफ्तु होगी और सबके हालात से बाखबर भी है यहाँ तक कि वो निगाहों की ख्यातों को भी जानता है और दिल उनके छुपे हुए राजूं को भी जानता है और हर चीज़ पर एलम रखता है लिहाजा अल्लाह खुदा वंद मुताल की तीसरी सिफत सिफत हयात है यानि खुदा जिंदा है खुदा हयात जाविदान का मालिक है और ये हयात उसकी जात उसके लिए ज़ाती है और ये हयात उसके लिए साबित और कायम है और इस हयात का क्याम अपनी जात पर है खुदावंद मुताल की खुद उसकी ज़ात की वजह से वो कायम है वो है, है किसी और की तरफ हयात में किसी और की तरफ मोहताज नहीं है जबकि दूसरे तमाम महलूकत उस जात की तरफ मोहताज अगर एक लम्हे के लिए भी उसने अपनी तोज्जो हटाई एक लम्हे में पूरी कायन फना हो सकती है तमाम मखलूकत सफेस्ती से मिट सकती है और चौथी सिफत खुदा बंद मतार के सिफात सबूतिया में से इरादा है खुदा मुरीद है मुरीद का माना यह है कि खुदा का हर काम और फेल कश इरादा और इख्तियार के साथ अंजाम पाता है मुरीद का माना ये है जो माना है कि मुरीद के लिए वही है कि खुदा का हर काम और फैल कश इरादा और इख्तियार के साथ अंजाम पाता है वो साहेब इरादा भी है और अपने कामों के अंजाम में मजबूर भी नहीं है किसी कोई और उसको मजबूर नहीं कर सकता किसी काम के अंजाम देने के लिए जिस तरह इंसान कभी मजबूर हो जाता है किसी दिल नाखवासत किसी काम के अंजाम पर मजबूर हो जाता है लेकिन ख़ुदा अपने कामों में मजबूर नहीं है वो जो भी काम अंजाम देता है जो भी फेलवा अंजाम देता है कस्त इरादे के साथ अंजाम देता है और आज़ादी और इख्तियार के साथ अंजाम देता है वो अपने कामों में मजबूर नहीं है वो जिस काम को भी अंजाम देता है अपने इख्तियार से अंजाम देता है और एक खास हदफ मकसद और हिकमत के तहत अंजाम देता है वो अपने फैल में हकीम भी है मकसद और हदफ के हदफ और हिकमत के तहत कोई फेला अंजाम देता है हमारी तरह नहीं है जो समझ में आए उसी को कर कर बैठा बाद में कभी कभी इंसान जो है अपनी गलती का एहसास करता है उस काम के अंजाम देने से जो है उसको नुक़सान उठाना पड़ता है नहीं खुदावंद मुताल मकसद के तहत हदफ के तहत और हमत के तहत उस फैल को अंजाम देता है ये चौथी सिफत पांचवी सिफत खुदा बसीर और समी और बसीर है सिफात सबूतिया में से और सिफात कमालिया में से सिफात जमालिया में से पांचवी सिफत समी और बसीर है खुदा बसीर है बसीर है यानी वो सारी चीज उनको देखता है सारी चीज़ों को कायनात के जर्र जर्रे को देखता है तमाम चीजें उसके सामने बसीर का माना है, वो सारी चीजों को देखता है तमाम चीजें उसके सामने कोई चीज उस पर पोशीदा और माफी नहीं है इसे कहते हैं बसीर और इसी तरह खुदा समी है समी है यानी खुदा सुनने वाला है वो हर आवाज को सुनता है हत्ता बेजान पत्थर उनकी आवाज को भी सुनता है और हर एक की सुनता है हमारी तरह नहीं है पार्टीबाजी करके किसी के आवाज को हम सुनते हैं किसी को नहीं सुनते किसी की बात को हम सुनते हैं किसी की बात को नजरअंदाज कर देते नहीं खुदा सुनने वाला है एक हर आवाज़ को सुनता है दो और हर एक की सुनता है तीन और किसी चीज़ से गाफिल भी नहीं इसे कहते हैं समी खुदा समी है यानी खुदा सुनने वाला है हर आवाज़ को सुनता है हर एक की सुनता है और किसी चीज़ से गाफिल भी नहीं है और इसी तरह देखने अरज सुबह की शमी और बसी है पांचवी सिफत और इसी तरह देखने और सुनने के लिए किसी मादी जरिया और वसीले की तरफ मोहताज भी नहीं सातवीं सिफत यह है कि खुदा कदीम अजली और अबदी है कदीम यानि हमेशा से है कदीम यानि हमेशा से है उसकी कोई इब्तदा नहीं खुदा कदीम है अजली है कदीम और अजली का माना यह है कि खुदा हमेशा से है और उसकी कोई इब्तदा नहीं है और खुदा अबदी है यानि हमेशा रहेगा और उसकी कोई इंतहा भी नहीं लिहाजा सातवीं सिफ़त खुदा अजली और अबदी है यानि हमेशा से है और हमेशा रहेगा कोई इब्तिदा भी नहीं है उसकी कोई इंतहा भी नहीं है चनान चौरान मजीद में भी इसी सिफत की तरफ मुतद आयात में इशारा हुआ है उनमें से एक सुरह हदीद की तीसरी आयत है जिसमें शाद हो रहा है अवलु ابدي ہے ازلی الاول قديم ہے والظاهر والاخر خدا ابدی ہے والاول خدا قديم ہے والاخر والاخر اور خدا ابدی والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهي اول هي والأول والاخر وهي اول هي وهي اخر هي والظاهر والباطن وهي ظاهره وهي باطن هي وهو بكل شيء عليم وهو ذات हर शे का जानने वाला है ये उसके औाह में से हम अबदी और अजली सिफ़त को बयान किया है सारे मजिदा ने हम खुदा के मुकमत को बयान फरमाया <ज़ीज़ी> तो है वलअल आखिर बातिन विकल शीम लिहाजा वो अजली है अबी है जिसकी न कोई इब्तदा है ना इंतहा है सिफात सबूतिया आठ हैं ने आठ सिफात को सफात सबूतिया के अनवान से किताबों में नक़ल किया है उसकी वजाहत की है और सिफात सबूतिया में से सातवीं सिफत यह है कि खुदा मतक्लम है हम भी मतक्ल हैं खुदा भी मतकलम है लेकिन हमारे कलाम करने में और खुदा के कलाम करने में आसमानों ज़मीन का फ़र्क है और मुतकल्लिम का मानाज है खुदा हकीकत को दूसरों के लिए इजहार और अपने मकसद को दूसरों तक पहुंचाता है मुतकलम है कि हकीकत को दूसरों के लिए इजहार करता है और अपने मकसद को दूसरों तक पहुंचाता है और इसी तरह दूसरे मखलूक में गोयाई गोयाता करता है यहाँ तक कि हजर मदर शज़र और हवाओं में भी आवाज पैदा कर सकता है हजर मदर और हवाओं में भी आवाज पैदा कर सकता है और वह अपने रसूलू से गुफ्तु करता है और उसकी गुफ्तगु किसी वसीले यानि जबान लब और हलक की तरफ मोहताज नहीं है हमारी गुफ्तगु जबान की तरफ मोहताज है लब की तरफ मोहताज है हलक की तरफ मोहताज है हंजरा खराब हो जाए लब खराब हो जाए कट जाए जबान कट जाए क्या इंसान बोल सकता है नहीं तो कर सकता नहीं मखलूक लब हल्क़ और जबान की तरफ महताज है लेकिन खुदा की गुफ्तु किसी वसीले जबान लब और हलक की तरफ महताज नहीं है लिहाजा खुदा के सफात सबूतिया में से सातवीं सिफत यह है कि खुदा मुतकल्लिम है और आठवीं और सिफात सबूतिया में से आठवीं और आखिरी सिफत यह है कि खुदा सादिक और सच्चा है सच बोलने वाला तो बहुत है लेकिन सच्चा बहुत कम मिलेगा खुदा के औाह में से सिफात सबूत में से एक सिफत एक अहम सिफत यह है कि खुदा सादिक और सच्चा है यानी खुदा सादिक है यानी खुदा जो कुछ कहता है सच कहता है अगर खुदा ये कहता है कि ये मेरे नबी है सच कहता है अगर ख़ुदा ये कहता है फ़रजंद अब्दुल्ला मेरे मेरे आखिरी नबी है सच कह रहा है अगर खुदा ये फरमाए मेरे आखिरी नबी के बाद और नबी नहीं आएगा ये ख़ात्नबीन है तो सच कहता है और अगर खुदा ये फरमाए मेरे आखिरी नबी के बारह जानशीन होंगे तो सच्चा है सादिक है खुदा सच कह रहा है और उनमें से पहले पहला जानशीन नबी तालिब जो है जो वजुल्लाह है जो बाब आलम है जो मदीनतलम है जो यदुल्ला है अगर ये अलकाब अगर खुदा ने कहा ये मेरे मेरे ज़मीन पर पैगंबर के जहाशीन और मेरा खालीफा है और इसके ग्यारह फर्जन उनके बाद मेरा खालिफा है तो ये सच कह रहा है खुदा सादिक है जो कुछ कहता है सच कहता है और ऐन हकीकत है इसलिए कि दूसरे सच्चे लोगों में और ख़ुदा में फ़र्क ये हैं अलबत्त सच्चे बन जाए खुदाई सिफ़ात आज है जिस तरह अम्बिया और ओलिया इलाही है और आइम ताहरीन है ये भी खुदावंद मुताल की तरह सादिक और सच्चे लोग हैं लेकिन आम इंसान आम इंसान मुमकिन है सच बोले लेकिन हर सच बोलने वाला सच्चा नहीं हो सकता लेकिन खुदा सच्चा है सादिक है हर सच बोलने वाला सादिक नहीं बन सकता इसलिए कि सादिक और सच बोलने में सच्चे और सच बोलने में फ़र्क ये है मुमकिन है एक आदमी सच बोले लेकिन वो सच्चा ना हो मिसाल के तौर तो पर एक आदमी ने चोरी की अदालत में उसको महकमे में लाया वहाँ पर उससे पूछ गछ की उससे बयान ली तो उसने कहा मैंने चोरी की है ये सच कह रहा है इसने चोरी की है लेकिन क्या ये सच्चा है नहीं कभी सादिख का लकब इसमें नहीं आ सकता कभी इसे सच्चा नहीं कहा जा सकता इसलिए कि अगर ये सच्चा होता तो अच्छा होता और अच्छा होता तो चोरी ना करता सच बोल रहा है लेकिन ये सच्चा नहीं है ये सादिक नहीं है, खुदावंत मुताल सादिक है यानी जो कुछ कहता है सच कहता है और एर हकीकत क्यों दलील क्या है इसलिए कि झूठ और गलत बयानी जहल नादानी या किसी कमजोरी के सबब होता है अगर कोई झूठ बोलता है तो जहल जहालत की वजह से नादानी की वजह से या अपनी किसी कमजोरी को छुपाने के लिए वो झूठ बोलता है जहल नादानी गलत बयानी झूठ और गलत बयानी हल नादानी या किसी कमजोरी के सबब होता है और खुदा वंद मताल खुदा की ज़ात इन चीज़ों से पाक और मुनजा है मुख्तसर यह कि मजकुर आठ सिफात को सफात सबूतिया या जमालिया कहते हैं जो खुदावंद आलम में मौजूद है और ये सफात खुदा एन ज़ात है इन शगे जा के सिफात जतिया और सिफात फैलिया के हवाले से गुफ्तु होगी ये आठ सिफात सिफात सबूतिया या जमालिया कहते हैं इन आठ सिफात को जो खुदा आलम की जात में मौजूद हैं और ये सफात खुदा एन जात है ज़ात से कोई जुदा चीज़ नहीं है आखिर में एक नुकते का बयान फायरे से खाली नहीं होगा और वो ये कि चूंकि हम नाकिस हैं हम नाकिस मौजूद हैं इंसान बशर के नाम से जो मौजूद इस दुनिया में दो पैरों पर चलता है इंसान के नाम से आदमी के नाम से वो नाकिस है इसलिए इसीलिए लिए हम नाकिस हैं इसलिए हम अपने काम को बग़ैर जरिए मादी जराए मादी वसैल के बग़ैर और किसी आलात के बग़ैर हम अपने काम को अंजाम नहीं दे सकते चूँकि हम नाकिस हैं हमें किसी और चीज़ की मदद की ज़रूरत तो। है बेहतरीन मिसालें हैं कुत के बावजूद ताक़त के बावजूद अपने आजा व जवारी के मोहताज खुदा ने हयात दी इंसान को उसमें अच्छी खासी बाड़ी दी है लेकिन ताकत है उसमें लेकिन इसके बावजूद हाथ पैरों की तरफ मोहताज है आंखों की तरफ मोहताज आजा व जवारी की तरफ मोहताज सिर्फ जिसम का ढांचा अगर बना देता है उसमें रूह फूक देता खुदा वंद मतान तो क्या वो चल सकता था या वो दूसरे काम अंजाम दे सकते थे क़दरत ताकत के बावजूद अपने अजा व जवारी के महताज हैं सुनने की ताकत के बावजूद कान के महताज हैं देखने की ताकत हो के होते हुए आँख के मोहताज हैं चलने फिरने की ताकत के बावजूद पाउन की ज़रूरत है और खुदा वब्ताल की जात जो कमाल मुतलक हैं हर ऐब और नक्श से पाकों है वो अपने किसी काम में दूसरों की तरह मोहताज नहीं है हर लिहाज से बेनियाज हर लिहाज से जिस लिहाज से भी देखा जाए वो बेनियाज वो अपने किसी काम में दूसरे मखलूक की तरह मोहताज नहीं है लिहाजा आंख के बगैर देखता है कान के बगैर सुनता है ये खुदा की खसूसियात है हम कान के बगैर नहीं सुन सकते आँख के बग़ैर हम नहीं देख सकते खुदा की खसूसियत ये है वो किस हर कस्म के नख़ वो कमाल मतलक़ है हर किस्म के ऐब और नख्श से वो पाक और मुनजा और मुबर्रा है और वो अपने किसी काम में दूसरे की तरह दूसरों की तरफ मोहताज नहीं है लिहाजा आंख के बगैर देखता है कान के बगैर सुनता है आजा व जवारी और जिसम जिस्मानी के बगैर तमाम उमूर को अंजाम देता है और वाज़े के हमारी नजर में और हमारे ख्याल में देखने और सुनने का वाद जरिया फकत आंख और कान है लिहाजा लिहाजा आप उमन, उमन हमारे माशरे में उमा हमारे औरफ में हमारे गुफ्तगुओ में हम देखते हैं हमारे नज़र में और हमारे ख्याल में देखने और सुनने का वाद जरिया इंसानों के नज़र में देखने और सुनने का वाद जरिया फ़कत आँख और कान है लिहाजा हम देखते हैं कि जिसका कान और आँख सही ना हो तो लोग कहते हैं कि यह आंधा और गूंगा है लेकिन हकीकत यह है कि देखने और सुनने की कान और आंख के अलावा भी जरिया और वसीला पाया जाता है ये सिर्फ जहरी कान और आंख तन्हा वसीला नहीं है सुनने के लिए देखने के लिए बल्कि देखने और सुनने की इस जरी कान और आँख के अलावा भी जरिया पाया जाता है और ख़ुदा खुदाबंद मुताल किसी जाहरी वसीला और इसबाब नहीं किसी जाहिर इसबाब के महताज नहीं न कान के महताज है न आँख की तरह मोहताज है न चलने फिरने वगैरह के लिए दूसरे आजाज ना अपने मूर को अंजाम देने के लिए अफआल को फैल को अंजाम देने के लिए काम को अंजाम देने के लिए किसी और आजा व जवारी की तरफ मरता लिहाजा बगैर आँख के देखता है बगैर कान के सुनता है और वो भी तमाम सुनने वाली चीजों को सुनता है और सबकी सुनता है और तमाम देखने वाली चीजों को देखता है सबको देखता है हर चीज़ को देखता है कोई चीज़ उस पर पोशीदा नहीं है मुख्तसर ये कि सिफात सबूतिया और जमालिये के बारे में एक मख्तसर बयान था जो खुदा वंदम में मौजूद है और अर्ज हुआ ये सिफात, ये जो आठ सिफात, सिफात सबूतिया जिसे कहा जाता है खुदावंद मताल की एन जात है जात से अलग कोई चीज़ नहीं है लिहाजा जिस तरह हम ज़ ख़ुदा की शिनाख से हाजिज़ हैं इसी तरह हमें सिफात खुदा की शनात में भी अपने नातवानी का एतराफ़ करना चाहिए और खुदा वंद मुताल की ज़ात और सिफात में ज़्यादा गो फ़िक्र न करें मना किया गया है

वला तमफिल्ला लेकिन खुद खुदा की जात और सिफात के बारे में गुफ्तगो ना कर क्यों इसलिए कि फाइनल कलाम फिल्ला इसलिए कि खुदा की जात और सिफात के बारे में गुफ्तगु लाए इल्ला तहयुरा साहब कलाम और गुफ्तु करने वाले की हीरत के अलावा उसको कुछ हासिल नहीं होगा जितना ज़्यादा खुदांद मताल के ज़ात और, और सिफात के बारे में वो ज़्यादा गौर फिक्र करेगा उतना ही उसकी हैरत और हैरानी में इजाफ़ा होता जाएगा एक और हदीस ये भी आप ही से ही आप ही के इर शाद हजरत इमाम मोहम्मद बारमाते हैं याकुम वफिल्ला ख़बरदार खुदा की त और सफात के बारे में ज़्यादा गौर व फ़िक्र ना करना वलाकिन इज़ा इज़ात तुम अंतन रू अला आजमत ही और अगर तुम खुदा की इज़्मत को देखना चाहते हो खुदा की इज़्मत को देखना चाहते हो तो फ़न रू अला अजीम खलकी तो खुदा की अजीम खिलकत यानि कायनत को देखो कायनत के बारे में कायनत की खिलकत के बारे में गौर व फ़िक्र करो और इस कायन में मौजूद मौजूदात की खिलकत के बारे में गौर फिक्र करो तो खुदा की अजमत और बुजुर्गी तुम्हारे लिए वाज हो जाएगी पूरी बात का निचोर और ख़ुलासा ये हुआ कि सफात सबूतिया और सिफात जमालिया और सिफात कमालिया खुदा आठ हैं और वो ये हैं कि खुदा कादिर है खुदा आलिम है खुदा हई है खुदा मुरीद हैं खुदा समियो बसीर है अजली है अबदी है मतक्ल सादिक और सच्चा है इन आठ सिफात को अलाह में इल्म कलाम के अतलाह में मतकलिन के अतलाह में सफात सबूतियाँ कहते हैं और मस्कुर सिफ़ात के मुकाबले में कुछ और सिफात हैं उन्हें सिफात शलबिया या सिफ़ात जलाली या कहते हैं इंशाल्लाह आने वाले दुरुस में उनके बारे में गुफ्तु होगी असलकुम वक्